हेलो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट मैं इससे पहले आपको पीएमएमसी बता चुकी हूँ मूविंग आयरन बता चुकी हूँ इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर बता चुकी हूँ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बता चुकी हूँ अब ये है हमारा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट क्या है जैसा कि इसका नाम है ये थर्मोकपल थर्मोकपल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है थर्मोकपल क्या होते हैं थर्मोकपल वो होते हैं जब हम दो डिसिमिलर मेटल्स को ज्वाइन कर दें एक जंक्शन पे तो एक थर्मोकपल बनता है और इसकी वर्किंग क्या है जब दो डिस्टिमिलर मेटल्स को हम एक जंक्शन पे ज्वाइन करें एक मेटल को हम कोल्ड जंक्शन पे रखें और दूसरी मेटल को हॉट जंक्शन पे रखें या ये कहें कि एक मेटल को हमने एक टेम्परेचर पे रखा और दूसरी मेटल को दूसरे टेम्परेचर पे रखा तो क्या होता है जंक्शन पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू थर्मल इफेक्ट ऑफ मेटल्स दोनों मेटल्स को डिफरेंट टेम्परेचर पे रखने से टेम्परेचर डिफरेंस से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है जंक्शन पे तो ये हमारा कहलाता है थर्मोकपल की वर्किंग या सी बैक इफेक्ट तो व्हाट इज थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट तो द थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस द थर्मोकपल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करंट एंड वोल्टेज सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट इट इज यूज फॉर बोथ ए सी एंड डी सी मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट uh, क्वालिटी जो है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट की वो ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज किए जाते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पर करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं द थर्मोकपल इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच यूजेस टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द जंक्शन व्हिच इज मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम है ये दो डिफरेंट मेटल्स हैं एक पर्पल कलर से दिखाई है और एक ग्रीन कलर से तो इन दो डिसिमिलर मेटल्स को जो हमने एक जंक्शन पे ज्वाइन किया है तो ये हमारा एक थर्मो डिवाइस बनाता है और दूसरे मेटल पर हमने पी एम मीटर को कनेक्ट किया है अब इसमें जिस करंट को हमें मेजर करना है उसको हम एक मीटर से एक मेटल से पास कराएंगे एक मेटल को हमने हॉट जंक्शन पे रखा है और दूसरे मेटल को कोल्ड जंक्शन पे रखा है तो इन दोनों के डिफरेंट टेम्परेचर रखे होने से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा जंक्शन पे और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही करंट अंडर मेजरमेंट के प्रोपोर्शनल होगा और उसको हम डायरेक्टली एम एम सी मीटर पर रीड आउट कर सकते हैं तो द करेंट मैग्नीट्यूड इज टू बी मेजर्ड पासिस थ्रू द जंक्शन ऑफ द थर्मोकपल जिस करंट को मेजर करना है उसे हम जंक्शन के थर्मोकपल के जंक्शन से पास कराएंगे द करंट प्रोड्यूसेज द हीट इन द हीटर एलिमेंट एंड द थर्मोकपल इंड्यूसेज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द आउटपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल पे हमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा वो डायरेक्टली वो ई e से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है उस ई e को हम डायरेक्टली पी एम एम सी मीटर से मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ई एम एफ इज प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट जो ई एम एफ है ई e, वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा जंक्शन के टेम्परेचर पे के और करंट की आरएमएस वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट इज दैट इट इज़ यूज फॉर हाई फ्रीकवेंसी मेजरमेंट ऑफ करेंट एंड वोल्टेज द इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर एक्यूरेटली एक्यूरेट फॉर फ्रीक्वेंसी अबव फिफ्टी हर्स फिफ्टी हर्स से अबव फ्रीक्वेंसी पर यह ज़्यादा एक्यूरेट हमारे रिजल्ट प्रोवाइड करता है करंट और वोल्टेज के एडवांटेजेस ऑफ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट इट डायरेक्टली इंडिकेट्स दर एम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट ऑन द वे फॉर्म सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे देखिए ना तो हम किसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं ना हम किसी कॉइल का यूज कर रहे हैं तो ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट है इसमें कोई भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आता है द थर्मिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ करेंट मेजरमेंट जो थर्मिक इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जो हमने मेटल यूज करी है उसे हम करंट की वाइड रेंज के लिए यूज कर सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट हैज़ हाई सेंसिटिविटी इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है इट इज यूज फॉर कैलिबरेशन ऑफ पोटेंशियो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सेल थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम पोटेंशियोमीटर को भी कैलिब्रेट कर सकते हैं द थर्मिक एलिमेंट इज फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी एरर एनहेंस यूज फॉर वाइडेस्ट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एरर नहीं होती इसलिए हम इसको लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पर वोल्टेज और करेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं वट इज़ द डिसडवाटेज द ओनली डिसएडवाटेज ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज दैट देअर ओवर लोड कैपेसिटी इज लेस एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट इनकी जो ओवर लोड कैपेसिटी है वो बाकी के इंस्ट्रूमेंट से कम है मतलब ये ज़्यादा लोडिंग इफेक्ट को बेयर नहीं कर सकते हैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो सी बैक इफेक्ट या थर्मोकपल के सिद्धांत पे काम करते हैं इसमें क्या होता है दो असमान धातुओं डिसिमिलर मेटल्स जैसे बिस्मत और एंटीमनी का कॉम्बिनेशन हो सकता है दो डिसिमिलर मेटल्स को हम एक जंक्शन पर ज्वाइन करते हैं या उसकी वेल्डिंग करते हैं एक जंक्शन को हम कोल्ड जंक्शन बनाते हैं और दूसरे जंक्शन को हम हॉट जंक्शन बनाते हैं जिस जंक्शन को हम कोल्ड रखते हैं उस उस जंक्शन के अक्रॉस हम पीएमएमसी मीटर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे देखिए जो ग्रीन मेटल है वो एज अ कोल्ड जंक्शन बिहेव करेगी तो उससे हमने पीएमएमसी मीटर को कनेक्ट कर दिया है जब हीटर वायर पर्पल मेटल के थ्रू करंट पास करी जाती है तो सी बैक इफेक्ट से क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है जंक्शन पर जिससे थर्मो इलेक्ट्रिक ई जनरेट होता है और ये ई हम पी एम एम सी मीटर से मेज़र कर सकते हैं और यही ई हमारा करंट अंडर मेज़रमेंट के बराबर होता है तो इस तरीके से हम थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करंट या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं यह भी हमारा करंट की आरएमएस वैल्यू को ही प्रोवाइड कराता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट थैंक यू